अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं जो इतना इजी है कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। इसके अंदर चंद ही इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे, इसलिए मैंने इस डिज़र्ट का नाम रखा है 5 इंग्रेडिएंट डिज़र्ट। बहुत मज़ेदार बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है, डेफिनेटली आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो जल्दी से फिर इस डिज़र्ट को स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार डिज़र्ट को बनाने का पहला स्टेप ये है, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी इंस्टेंट भी हो सकती है, इस तरह से पाउडर फॉर्म में या ग्रेन फॉर्म में भी हो सकती है, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो उसको 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए। 500 ml वाटर या आधा लीटर पानी दीजिए और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, इसके अंदर हम कॉफ़ी को ऐड कर देंगे और इसको सिमर पॉइंट पे तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। पानी बॉइल हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी। इसको सिमर होने देंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स हो चुके हैं और कॉफ़ी बन गई है। कॉफ़ी को ठंडा होने देंगे। जैसे ही इसके ऊपर से स्मोक पॉइंट ख़त्म होगा, हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। कॉफ़ी बन चुकी है और साथ में काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर भी। आप वनीला टी केक, ये लो फॉर्म में आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप अपना खुद केक करना चाहें तो अपना खुद भी ले कर सकते हैं। अगर आपको केक इस्तेमाल नहीं करना तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप मेरी बिस्किट को ले लीजिए, उसके डिज़र्ट्स भी बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने डिज़र्ट बनाने के लिए छोटी सी क्यूट सी डिश ली है। आप चाहें तो रेक्टेंगुलर डिश भी ले सकते हैं, जितना भी आपने डिज़र्ट बनाना हो, क्योंकि इस तरह के क्विक डिज़र्ट्स गैदरिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं आप डिज़र्ट बनाना। नेक्स्ट स्टेप ये है कि केक को कॉफ़ी के सिरप में डिप करेंगे जो हमने कॉफ़ी बनाई है, और इसको डिश में डाल। बिल्कुल इस तरह से, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसके अंदर आप बहुत कुछ खुद से भी ऐड कर सकते हैं। आप जेली ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद के कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, इवन क्या आप नट्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। केक की फर्स्ट लेयर लग चुकी है, यहाँ से केक थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बट दैट्स टोटली ऑल राइट। इसको और मज़ीद प्रेस कर दीजिए ताकि जो एम्प्टी स्पेसेस भी हैं वो भी ख़त्म हो जाए। जितनी देर कॉफ़ी ठंडी हो रही है उतनी देर हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है तकरीबन 100 to 150 grams व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर मेरे पास हैवी क्रीम मौजूद है, आप नेस्ले की ले लीजिए, ऑलपर्स की ले लीजिए, जिसके आपको पसंद आप ले सकते हैं। ये हमें तकरीबन चाहिए होगी 1/2 कप। 3 to 4 tablespoons आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि ले लें, क्योंकि आइसिंग शुगर जो है वो व्हिपिंग क्रीम को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने से। व्हिप क्रीम सॉफ्ट पीक्स पर आ गई है, आप देख सकते हैं। सॉफ्ट पीक्स का कैसे पता चलता है कि जब इसको इसकी बीक देखें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओ। जैसे ही क्रीम आपकी सॉफ्ट पीक पे आएगी, इसके अंदर 1 to 2 teaspoons क्रीम के। व्हिपिंग क्रीम को जब भी व्हिप करना तो कोशिश कीजिए कि व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडी हो। अगर ये ठंडी नहीं होगी तो व्हिप करने में बहुत मुश्किल होगी। 1 to 2 teaspoons और इसमें ऐड करेंगे हैवी क्रीम का। क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि जब क्रीम बीट हो जाए तो उसका कैसे पता चलता है। उसका बहुत ही सिंपल सा हल है कि आप बाउल को उठाइए और उल्टा कर दीजिए। अगर क्रीम नीचे ना गिरी तो इसका मतलब है कि वो मीडियम टू हाई पीक्स पे जा चुकी है।
बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। जब भी आपने कोई ऐसा डिज़र्ट बनाना हो जिसको रेफ्रिजरेट करना हो या जिसको हम नो बेक डिज़र्ट कहते हैं, उसके लिए आपने जब भी क्रीम को बीट करना है तो हमेशा मीडियम पीक्स पे करना है। उसको हार्ड पीक्स या हाई पीक्स तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो डिज़र्ट बहुत हार्ड हो जाएगा। मेरी डिज़र्ट को कम्प्लीट करने की तैयारी पूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के साथ। जो क्रीम हमने अभी बीट की थी उसको ऐड करेंगे केक के स्लाइसेस के। स्पैचुला ले लीजिए या आप स्पून का इस्तेमाल कर लीजिए और इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। क्रश हुई हुई चॉकलेट, आपको जौन सी चॉकलेट पसंद हो आप उसको क्रश कर लीजिए और उसको आप ऐड कर। यहाँ पर आप नट्स का भी ऐड कर सकते हैं और फ्रूट्स का भी। तरह से हम केक के स्लाइसेस को लेंगे और कॉफ़ी लिक्विड में डिप कर लेंगे और नेक्स्ट लेयर स्टार्ट कर देंगे। देखा आपने कितना आसान है ये डिज़र्ट बनाना। चंद ही इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए और आपका काम हो जाएगा। सेकेंड लेयर भी बिल्कुल इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब जो इसकी स्पेसेस बाकी रह गई हैं उसको हम ये लास्ट पीस ऑफ केक स्लाइस से कवर कर देंगे। बिल्कुल कवर हो गया। अब हम ऐड करेंगे क्रीम की लेयर। ऊपर ऐड करेंगे कोको पाउडर। जो लेफ्ट ओवर क्रीम है उसको डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग में डाल देंगे। डिजर्ट पे पाइप करने के लिए आई हैव चोजन ओपन स्टार नोजल और ऐड कर देते हैं क्रीम। डिज़र्ट की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हमारी बाकी की क्रीम के डैलप्स के ऊपर ऐड करेंगे क्रश चॉकलेट। वैसे तो ये ऑप्शनल है, मेरे पास मौजूद है क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स, इसको भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखा आपने कितनी क्विक और इजी डिज़र्ट की रेसिपी है। इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसके अंदर जो जी चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर टॉप की है क्रश चॉकलेट के साथ, थोड़ा सा कुकीज़ का क्रश डाला है और साथ में थोड़ा सा और कोको पाउडर। इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत बन गई। इस डिज़र्ट को रेस्ट करने देंगे फॉर 4 to 6 आवर्स के लिए इन रेफ्रिजरेटर। आप चाहें तो एक रात पहले भी बना के रख सकते हैं, स्पेशली जब आपके गेस्ट नहीं आना हो। उसके बाद इसको कट कीजिए। ओह माय गॉड, इट वाज गोइंग टू बी डिलीशियस फॉर एवरीवन। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।